मेरे पास ग्लूवाल नहीं है, मेरे पास ग्लूवाल नहीं है। भगवान फायर मत देना, फायर मत देना। ए नहीं 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 आप फायर मत दे, फायर मत दे। ए भाई भाई ए नौके 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 ए दो नौके उसको मार मार मार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल बोलता है। आप सभी लोग बड़े गाइस, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही खास। तो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना ताकि ऐसी वीडियोस नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो गाइस, ये जो गेम देख रहे हो गाइस, इस गेम में हम लोग जैसे नॉर्मल हमें उतरता हूं ब्लू जोन में, हम लोग ब्लू जोन में उतरे थे और एक स्क्वाड वाइप करके हम लोग जोन की तरफ मूव कर रहे थे। और गाइस, यहां पे ये जोन इस गेम में बहुत ही हार्ड लॉबी आई थी, एकदम ग्रैंड मास्टर वाली। यहां पे दो स्क्वाड ग्रैंड मास्टर का था। और गाइस क्या हुआ कि पता है, हम लोग जब यहाँ पे मैं जोन की तरफ मूव कर रहा था गाइस, यहाँ पे देखो गाइस जोन पहला जोन खत्म होने वाला है और यहाँ पे गाइस वो 44 बंदे लाइव है। तो गाइस यहाँ पे मैं जोन की तरफ इधर आ ही रहा था कि सामने देखा कि एक बंदा है और वो मेरे तरफ आ रहा जोन की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं वो देखता हूँ ना, जैसे मैं उसको फेर दिया M41 के, तब तो वैसे ही वो मतलब कवर ले लिया। तो ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैं भी परमानेंट कवर ले लिया क्योंकि मेरे पास 6 ग्लूवाल था, तो मैं ग्लूवाल उसके पहले से इतना वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो ऐसे यहाँ पे देखता हूँ ना वो जोन के अंदर घुस के, मतलब मैंने जैसे जब उसको वापस फायर दिया ना, तो ये उसको देखता हूँ ना जोन के अंदर चला गया। तो जैसे ही मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ ना, यहाँ पे देखता हूँ एक और बंदा लॉन्च पैड लेके यहाँ से आ गया, टावर के ऊपर आ गया। तो गाइस पता है, यहाँ पे मैं चुपचाप से बैठ के ना इसको स्कोप करता हूँ, देखता हूँ सामने बंदा है और इसको मैं रेड नंबर देता हूँ। उसके बाद गाइस रेड नंबर देने के बाद ना इसमें अपने आप जोन की तरफ आ जाता हूँ, तभी ना गाइस देखता हूँ ना यहाँ पे, ना देखता हूँ ना कि जो दूसरा बंदा जो लॉन्च पैड से आया था ना, वो मेरे पे रस मार देता है। तो भाई ये मेरे को रस मारने आया, तो मैं थोड़ा सा राइट साइड से इधर से घूम के इसको थोड़ा उधर, मैंने भी इसको मारने की कोशिश किया, तो सामने देखता हूँ ना इसने तुरंत क्रोनो लगा लिया। मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, चालू समझ रहे बंदे की चालाकी, दिमाग देख रहे हैं बंदे की। मतलब मैं इस पे इसने मेरे को रस किया ऐसे दिखाने के लिए कि ये मेरे को मारने आएगा, लेकिन फिर इसने क्या किया बताया, जैसे मेरा टाइम है रस करने का, तो तब तुरंत इसने क्रोनो लगा लिया। तो गाइस यहाँ पे ना मैं इसको पीछे से मारने जाता, देखो अचानक से इसने मेरे को मैक 7 चिपका दिया, तो यहाँ बॉनफायर लगा के ना मैं हील कर ही रहा था। तो गाइस देखते ना अचानक से बंदा ग्रेनेड कुक कर रहा है, वैसे मैं उसको इस पे घुस गया और इसको मैंने हेड दे दिया। हालांकि मैंने इसको हेड दिया था, लेकिन मेरा ये बॉडी की लाया पता नहीं क्यों। तो वैसे आप लोगों को भी एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको सामने कोई एनिमी है और वो आप पे ग्रेनेड कुक कर रहा है, तो आप एक काम करो कि आप उस पे रस मार दो। अच्छा, इससे क्या होगा ना, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, या तो फिर उसको नेट खुद पे फोड़ना पड़ेगा, या तो फिर उसको कहीं और नेट फेंकना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। okay. उसके बाद गाइस क्या हुआ कि इधर हम जोन की तरफ मूव कर रहे थे और गाइस अभी देखो 36 बंदे अलाइव है। तो गाइस आप समझ जाओ कि गेम कितना हार्ड होने वाला है हमारे लिए। तो इस बार हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि सबसे पहले आपको जोन को साइड पकड़ना है, क्योंकि गाइस अगर आप जोन के सेंटर पकड़ोगे तो आपको किसी को फायर नहीं देना है। अगर आप सेंटर में बैठ के अगर आप फायर देना चालू कर दोगे, तो आपको चारों तरफ से सारी स्क्वाड होगी आपको टारगेट करके सबसे पहले आपको मारेगी, क्योंकि आप सेंटर में बैठे हुए हो। तो इसीलिए गाइस आप मैं साइड जोन में आए और यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन के साइड इधर में हम लोग होल्ड कर रहे थे, तभी मेरे को मेरे टीममेट ने बोला कि ऊपर साइड से बंदे आ रहे। तो गाइस देखो गाइस वहाँ पे तीन बंदे भागते हुए आ रहे थे, तो मैंने एक को हेड दिया, एक दूसरे को हेड देके नॉक ले लेता हूं मैं। फिर उसी जिसको मैंने हेड दिया था उसको मेरे टीममेट मारो ने उसको पूरा किल कर दिया। तभी मैं देखता हूं यहां पे मेरा जो पीछे टीममेट थे जो दो बंदे जो भीमस की साइड थे उनके मुंह से एक बंदा नॉक हो गया। तो गाइस यहां पे क्या हम तुरंत उसको यहां से बैकआउट लेके उसको हम कवर देने चले जाते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस यहां पे जैसे ही मैं इसको कवर देता हूं, वैसे देखता हूं ऊपर से एक स्क्वाड आ रही है। तो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करके इस्तेमाल करके हमारे साइक्लोन भाई को वापस से जिंदा कर लेते हैं, जोन के अंदर आने में मदद करते हैं। तभी मैं देखता हूँ ऊपर वाले बंदे हम पे आगे फायर देने के लिए, तो तुरंत मैंने गाइस इसको मैं फायर देने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं किसी ने भी क्रोनो लगा लिया। तो मैं स्कोप खोल इसको 87 हेड देता हूँ और देते मैं तुरंत इसको रश कर देता हूँ, क्योंकि इस क्या है क्योंकि काफी डैमेज था और मेरे पास ग्लूवाल की भी कमी थी, क्योंकि मेरे पास दो ही ग्लूवाल था। तो इसको मैं हील करने का मौका नहीं देता, इसको मैं तुरंत नॉक ले लेता हूँ। तभी देखता हूँ ना इसके टीममेट मेरे पे ग्रेनेड फेंक देता है, फेंकने की कोशिश करता है, तो तुरंत मैं यहाँ पे ग्लूवाल लगाता हूँ। और ये गाइस ये गाइस यहाँ पे मेरे पास 0 ग्लूवाल था, लेकिन मेरे को उस वाले टीममेट को मारना था, क्योंकि एकदम और मतलब मारना तो था ही, लेकिन और टाइम मतलब कम टाइम के अंदर मारना था, क्योंकि गाइस क्या होगा अगर हम यहाँ पे ज्यादातर फाइट करने में ज्यादा टाइम बिता देंगे तो गाइस हम जोन नहीं जा पाएंगे। तो गाइस देखो अभी तो गाइस इसको मैं फटाफट नॉक करके हम हील अप करता हूँ। गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास काफी मेडिकेट था, लेकिन मेरे पास एक भी ग्लूवाल नहीं था। तो गाइस सामने इसी का एक आखिरी बंदा होगा, क्योंकि मेरे टीममेट ने इसको ऑलरेडी एक बंदा मार दिया था। तो वैसे मैं यहाँ पे उतरता हूँ और यहाँ पे उतर के सबसे पहले मैं इसको हेडशॉट मारता हूँ, ठीक है। और इसको हेडशॉट मारने का गाइस देखो गाइस यहाँ पे अभी भी मेरे पास 0 ग्लूवाल है, क्योंकि मेरे पास लूटने को टाइम नहीं होता, क्योंकि अभी देखो गाइस जोन का डैमेज बढ़ा दिया गया, तो गाइस आप लूट नहीं सकते जोन के अंदर। और 17 बंदे अलाइव है, पूरा ओपन जोन है और मेरे पास 0 ग्लूवाल है गाइस। तो सबसे पहले गाइस मैं इस पत्थर के पीछे आके मेडिटेट करता हूँ और गाइस अभी इंतजार करता हूँ ग्लूवाल कब बन जाए। तो मेरे को लगा था नाव के पीछे ना कवर मिलेगा, ठीक है। तो मेरे टीममेट को मैं मारूप को बोलता हूँ कि तू सबसे पहले परमानेंट कवर ले। गाइस यहाँ पे सबसे पहले सामने एक बंदा मर जाता है और गाइस मैं नाव के पीछे कवर लेता हूँ उस साइड पीछे करके, तभी मारूप पे फायर आता। तो मैं मारूप को कवर करने के लिए ऐसे मैं थोड़ा सा ओपन में आता हूँ, तो वहाँ पे मैंने सामने बंदे को नॉक लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं ग्लूवाल देखता हूँ, ग्लूवाल नहीं था मेरे पास, और फिर मैं दूसरे बंदे को भी यहाँ पे नॉक लेता हूँ। तब तक क्या होता है, एसीएफटी से मैं नॉक हो चुका हूँ।
यहाँ पे गाइस क्या हुआ कि मारो कवर में चला गया, तो मेरा मतलब कुर्बानी अच्छा गया, ठीक है। चलो गाइस यहाँ अगर मेरे पास वहाँ पे ग्लू वॉल होता तो गाइस बताओ वहाँ पे गाइस क्या सिचुएशन होता। उसके मैंने दो बंदे नॉक ले लिए थे वो भी बिना ग्लू वॉल के, वो भी ग्रोजास का गाइस, क्या मस्त हेड लगा था। तो गाइस यहाँ पे मैं यहाँ पे आप मारो का गेम प्ले आप लोग देखना है। राइड में ध्यान रखना पड़ेगा, घूम जा राइड में देख। मार इनको मार, वो रोना चुप पार्ट में पोजीशन निकालने दे। तो गाइस यहाँ पे हमारे मारुफ भाई ने एकदम ओपी तरीके से एकदम 1v3 क्लच निकाल दिया। और इस पे गाइस अब इसको गाइस हाईएस्ट लाइक 23 लाइक मिला इस बंदे को, गाइस 24 होने वाला है। और इसके साथ गाइस हमारा गेम हो चुका है बुइया। तो गाइस एक लाइक तो बनता है मारुफ भाई के लिए। आई होप आपको लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना ऑल, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करते 100K लाइक्स, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना।